जल्दी चलिए। हाँ। वो हमें वहां जाना है। हाँ ठीक है चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी। हाँ। वक्त हो गया है, नमाज पढ़ना है, मैं दरगाह से होकर के आता हूँ। हे अल्लाह रहम करना। कोशिश कर रहे हैं लेकिन उलझने बढ़ती जा रही है, इसे संभालना मुश्किल हो गया है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। क्या हम शहर के किसी अस्पताल में उसे ले जा सकते हैं? फिक्र ना करो, जो इस दुनिया में आ रहा है वो चांद से उतरा हुआ शेर दिल है, वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। आप बेफिक्र होकर अंदर जाओ। ठीक है। अल्लाह मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि तुमने कहा था, शेरे दिल इस जहान में आ गया है। अब जल्दी से इसे एक अच्छा नाम दे दो। अल्लाह खुदा ने अपनी रहमत बरसाई है और हमें यह औलाद तोहफे में दी है। इसका कुछ नाम सोचा है आपने? दाऊद मेरे अब्बू का नाम था और उनकी यह ख्वाहिश भी थी। मेरे अब्बू भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी भी यही तमन्ना थी कि मैं मेरे होने वाले बच्चे का नाम मेरे अब्बू के नाम पर रखूं, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं। चलो वो भी रख लेते हैं, इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम। मैं ही पुलिस रहूंगा और तुम लोग चोर बनोगे। जैसा कहता हूँ वैसे ही करना होगा। हर किसी को चोर बनाकर खुद पुलिस बनता है, लेकिन इस बार नहीं, हमें मंजूर नहीं है। चल चल हट। समझते क्या हो? तुम्हें पता भी है कि लोग हमारे खानदान की कितनी इज्जत करते हैं? क्या तुम लोफर बनना चाहते हो जो फिल्म देखकर खुशी से कपड़े उतार देते हैं? मेरे हीरो की फिल्म थी पापा, और उसमें वो पुलिस वाले बने। तुम्हारा हीरो? और कौन है वो? क्या कहा, आप नहीं पहचानते? वो जो है ना, ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता है। अच्छा, तुम्हें वो एक फरिश्ता लगता है?
बहन ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। वो फरिश्तों से बिल्कुल कम नहीं है और ऊपर से वो मुसलमान भी है। अजान का वक्त हो चुका है, मैं अभी मस्जिद जाकर आता हूँ। ये खुद को जान पाता उससे पहले ही इस बच्चे के दिमाग में पुलिस का जुनून सवार हो गया है। ये वो नहीं करेगा जो हम कहेंगे। इसकी किस्मत में लिखा है पुलिस ऑफिसर बनना। तुम क्या कहती हो? किस्मत के आगे किसका जोर चलता है? दाऊद इब्राहिम ये भी पुलिस में भर्ती होगा? कौन है ये दाऊद इब्राहिम? मेजरमेंट्स ले लो। 38। अच्छा है। उठो बेटा, जाग जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ। ये क्या है बेटा? दोपहर के नमाज का वक्त हो गया, अब्बू पूछ रहे हैं। ये दूध पी लो और जल्दी से नीचे आ जाओ, अब्बू नाराज हो जाएंगे। अब्बू नाराज होकर मुझे गोली मार देंगे। मैं जाकर उन्हें बताऊं? नहीं अम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं ख्वाब देख रहा था। ओहो, मेरा दाऊद ख्वाब भी देखता है? मुझे तो पता ही नहीं था बेटा। उठ जाओ और जल्दी से नीचे आ जाओ। ओह ये दूध लो, लो पियो इसे, जल्दी से उठ जाओ। सूरा, अब सिर्फ टोपी और एक यूनिफॉर्म ही बचा है, वरना तुम ऑफिसर तो बन ही चुके हो। क्या कहते हो? जानते हो, हमारे बुजुर्ग महान महान धार्मिक गुरु और मौलाना थे, बस एक पुलिस वाले की कमी थी, वो तुमने पूरी कर दी। तुम क्या कहती हो? हाँ सही कहा। मैं तुम्हें कम नहीं समझ रहा। मुझे पता है कि तुम्हारी किस्मत में पुलिस ऑफिसर बनना लिखा है। सही कह रहा हूँ ना मैं? जी। जाना है, आज मेरी पोस्टिंग होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं चलूं? जाओ, याद से नमाज पढ़ना। उबले अंडे की तरह। तुम्हारे अब्बू है। क्या कहा? उबले अंडे तैयार रखना। अम्मी इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जी? तुम्हारी टांगों के बीच एक बाइक है, कोई रॉकेट नहीं। जी। संभाल कर चलाना। जी बिल्कुल। इट्स अ क्लियर प्रोटोकॉल ब्रीच, बट आई थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू। मुझे नहीं लगता तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर की सिर्फ पेट थपथपाकर कहीं पर भी पोस्टिंग कर देना सही होगा। So I decided, तुम्हारी पोस्टिंग के ऑर्डर मैं खुद बनाऊंगा। सर? यस। चलो देखते हैं एकेडमी के सबसे ज्यादा ब्रिलियंट कैडेट दाऊद इब्राहिम को ये लोग कहां भेज रहे हैं। They have done a big mistake. सर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, एक नई पोस्टिंग और वो भी एक ऐसी जगह पर। सर मैं कुछ समझा नहीं। दाऊद इट्स अ बिग मिस्टेक, तुम्हारी पोस्टिंग हुई है कोलनहल्ली में। कोलनहल्ली? केरला कर्नाटका के बॉर्डर पर एक खतरनाक जगह है, कोई भी नया ऑफिसर वहां पर टिक ही नहीं पाता है, अजीबो गरीब लोगों के ट्रांसफर होते हैं वहां पर, पुलिस और पुलिस स्टेशन की कोई भी इज्जत नहीं करता है वहां पर। एंड इफ आई एम करेक्ट, पिछले 15 सालों से वहां कोई पोस्टिंग नहीं हुई है। काफी लोगों ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी पोस्टिंग वहां हुई थी। लेट मी सी व्हाट कैन आई डू। मैं तैयार हूं सर।
पर दाऊद तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैं वहां हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो कुछ भी हो या कोई भी हो। आई एम रेडी टू फेस इट। सो प्लीज सर। ऑल राइट, इफ यू आर सो डिटरमिंड तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। थैंक यू सर, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस वॉज योर कॉल सर। ओके यंग मैन, केरला पुलिस में तुम्हारा स्वागत है। तुम कूनन हल्ली में बहुत साल बाद इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी निभाओगे। सो दाऊद, माई बेस्ट विशेस आर विद यू। वेलकम टू कॉलन हली सर, आई एम सरीना राउत। थैंक यू सरीना। जब तक आपका क्वार्टर तैयार नहीं हो जाता, हमने गेस्ट हाउस में आपके रहने का प्रबंध किया है। मैं गेस्ट हाउस में रेस्ट लेने के लिए नहीं आया हूँ। अभी 9:30 बजे हैं, शार्प 11 o'clock पुलिस हेडक्वार्टर्स में सबके साथ मीटिंग अरेंज कीजिए। हल्ली केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पर स्थित एक इम्पोर्टेंट शहर। शहर में एक इंटरनेशनल सेक्टर पोर्ट है। 10 ऐसी जगह है जहां सुरक्षा के इंतजाम पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज द मोस्ट स्टॉप इट। गूगल पर इस शहर का नाम टाइप करूं तो विकी पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो मुझे सिर्फ बताओ अंडरवर्ल्ड के बारे में। स्पीक अबाउट देम, स्पीक अबाउट द नेटवर्क्स ऑफ द सिटी। सर, ये है वास्को। इस पूरे शहर में कहीं भी क्राइम हो उसमें इसका हाथ जरूर होता है। अगर आज हम क्राइम रेट की बात करें तो मंगलापुरम से ज्यादा मशहूर है कोलनहली। इस शहर को ऐसा बनाने के पीछे वास्को का शातिर दिमाग और उसी की मेहनत है। बट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल केस फाइल्ड अगेंस्ट हिम। ये है काई। इसकी रियल आइडेंटिटी एक अनसुलझी मिस्ट्री है सर। और ये वास्को का राइट हैंड है, द वर्स्ट काइंड ऑफ सेक्स मैनियक टू। और आखिर में यीशु। इसकी पहुंच कोलनहली के कोने कोने तक फैली हुई है। शहर में हो रहे हर एक हरकतों के पल पल की खबर इसे रहती है। शहर में जहाँ कहीं भी जुर्म हो रहा हो, इन्हीं से शुरू होता है और इन्हीं से खत्म होता है। So things are loud and clear now. I'll start with plan B. What do you mean, sir? वास्को के इन हाथों को हम काट देते हैं। What? Encounter. बस sir, what about plan A? मेरा हमेशा एक ही प्लान होता है। There is never plan E. बैड लक समय था। जो यहाँ हारता है उसे मौत को गले लगाना होता है। मोना फिनिशर। कौन है वो? कौन है जिसने मेरे इलाके में आके मुझे धमकी देने की जरूरत की? कौन है वो? Yeah.
जो जवाब तुम्हारा साथी दे नहीं पाया वो जवाब मैं ही हूं। क्या हुआ बताओ? मेरे कुछ प्यादे मर भी जाएं, हजारों फिर पैदा कर सकता हूं। पर तभी ना जब तुम जिंदा रहोगे वास्को। मैं हूं वास्को, तुम्हारे टांगों के नीचे की जमीन पर ही नहीं पूरे कोलनहल्ली पर राज करता है वास्को। पीटर। यस बॉस। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे कुछ दे। सर सर। परदेसी जाना नहीं, मुझे कुछ दे। मुझे कुछ दे। आ गया, अगला स्टेशन है। अरे सर कुछ देकर तो जाओ, कंजूस कहीं का। मैडम यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहे। सर। यस। वेलकम टू कोलनहल्ली सर, आई एम सरीना राउत। सर जी, जो ट्रांसफर हुआ है आप वही इंस्पेक्टर हो ना? वेलकम। आपको देखते ही मुझे पता चल गया मैं एंजल मेरी हूँ, पीसी पुलिस कांस्टेबल। ये कुट्टन पिल्ले हेड कांस्टेबल। हमें यहाँ से काफी दूर जाना है तो फिर चलें सर। तो जीप कहाँ है? जीप? हाँ आइए। सर आपके जीप से ज्यादा कंफर्टेबल है मेरी ये प्यारी सुंदरी। ये क्या, नए साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे है? सुनो यहाँ से कितनी दूर जाना है हमें? सर अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन तक का 45 किलोमीटर का सफर है सर। आसपास यहाँ कोई घर या दुकान नहीं है? सर वेलार कैंडी से कोलनहल्ली तक अगर कुछ मिलेगा तो वो है सांप, मोर और खरगोश जैसे जानवर। अब ऐसे जहन्नुम में और कौन रह सकता है सर? क्या कहा, जहन्नुम? यस सर, इस जगह में विकास का शब्द किसी ने सुना ही नहीं है सिर्फ मेरे अलावा। यहाँ सिर्फ एक कोऑपरेटिव बैंक, एक अस्पताल और एक स्कूल है जिनका रहना नहीं रहना बिल्कुल एक बराबर है सर। और सर एक पुलिस स्टेशन भी है, आप इनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा होगा। जरूरत से ज्यादा नहीं बोल रहा है सर, कोलनहल्ली में इसी का टेम्पो चलता है इसीलिए भागा है। सर पास में मंगलापुरम जगह भी है, आपका यहाँ आना यहाँ के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा सर। अब गपशप करने के लिए कोई तो है? सर केला खाएंगे? नहीं चाहिए। केरला कर्नाटका की बॉर्डर पर एक खतरनाक जगह है, कोई भी नया ऑफिसर वहां पर टिक ही नहीं पाता है। अजीबो गरीब लोगों के ट्रांसफर होते हैं वहां पर,
पुलिस और पुलिस स्टेशन की कोई भी इज्जत नहीं करता है वहां पर। एंड इफ आई एम करेक्ट, पिछले 15 सालों से वहां कोई पोस्टिंग नहीं हुई है। सर यही है हमारा पुलिस स्टेशन। अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाइए और इसे पवित्र कीजिए। अब सर 16 साल तो हो ही गए होंगे किसी इंस्पेक्टर को यहाँ कदम रखे। एसआई सोमन को सांप ने जब काटा था उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग। अब आपकी बारी है सर, आ जाइए। आइए, कोलन हल्ली के पुलिस स्टेशन में आपका स्वागत है सर, आइए। हाँ आइए। बाल बाल बच गए सर। आइए सर आइए, फिकर मत कीजिए, नजर उतारी है हमने। ये फिल्मी होना नहीं छोड़ेगी। हमारे स्टेशन की मुर्गी है सर लता, हमने ही पाला है। हम ज्यादा साफ सफाई नहीं कर पाए क्योंकि हमें नहीं लगता था आप आ पाएंगे। प्रार्थना कर रहे हैं, बढ़िया। एंजल कौन है ये अपराधी, भाग रहे हैं, वहीं बैठो। रुक जाइए सर। सर ये बेचारे वर्धन वर्की के खेतों के मजदूर हैं, हमने ये बैरक इन्हें किराए पर दे रखी है। किराए पर? तो सुबह ही ये काम पर निकल जाते हैं और लौटते हैं देर शाम को। अब हमने इसलिए यहाँ इन्हें रखा है कि थोड़ी चहल पहल तो बनी रहे। ये हमारे नए एसआई साहब हैं, नमस्ते बोलो इन्हें। नमस्ते। नमस्ते। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। है उठो उठो, अपना सारा सामान लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, चलो निकलो। किराया चलो जाओ, फोकट में नहीं रहते हैं यहाँ पर। ये तो वास्को है ना? ओ नहीं सर, वासु चिंदी चोरी के लिए पूरे इलाके में फेमस है। बाकी दोनों इसी के चमचे हैं, साथ में काम करते हैं। लेकिन सर आप इन्हें कैसे जानते हैं? जल्दी चलो, मुझे जाना है। सुनिए सर, हमें इसी वक्त क्वार्टर में चलना होगा, सुधी को इसके बाद में स्टेशनरी पहुँचानी। तो क्या वो क्या है ना, यहाँ और कोई गाड़ी नहीं है। वो देख रहे हैं सर, एसआई सोमन जो थे ना, उनको सांप ने उसी जीप में काटा था। सर आप लकी रहे तो स्टार्ट हो जाएगी। हाँ मुझे पूरा यकीन है कि इसके टायर वासु ने चुराए होंगे। ये साहब तो मुझे बहुत गुस्से वाले लगते हैं। साहब बाथरूम के दरवाजे की हालत ठीक नहीं है, संभाल के। ए, दरवाजा ठीक करा दे। अकेले हैं, काम चला लेंगे। वैसे भी कौन यहाँ आता जाता है। सजना है मुझे अपने सजना के लिए। मोटापा कम करने के 10 आसान तरीके। बुरा ना मानो तो। नहीं सर मैं क्यों बुरा मानूंगा, आइए सर आइए। कल से कुछ बोल या पूछ नहीं पाया, बहुत शौक लगा मुझे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या नाम बताया था तुमने? कुट्टन पिलाई सर। दुर्लभ नाम है। और मैं एंजल मेरी, लोग मुझे प्यार से पारू बुलाते हैं। इस स्टेशन में जो भी हो रहा है वो सीनियर को बताना चाहिए। बताना चाहिए। हमें यहाँ के काम काज करने के तरीके बदलकर इसे बिल्कुल सही करना चाहिए। सही करना चाहिए। एक ऑटो वाला भी यहाँ पुलिस से नहीं डरता है, औरों की तो बात ही छोड़ दो, ये बदलना चाहिए। बदल देंगे सर, क्यों? तो चलो क्रिमिनल से शुरुआत करते हैं। मुझे सारी लिस्ट चाहिए चोरों और कातिलों की।
हाँ? सारी की सारी फाइल्स चाहिए मुझे, वो भी अलग अलग। ठीक है, मैंने जो भी कहा आई होप तुम्हें समझ में आ गया। आ गया सर। हमारे इलाके में ऐसा कोई मर्डर का केस है जो अभी तक अधूरा छूटा हो? कोई केस जो अधूरा छूटा हो? हाँ, वासु के खिलाफ केला चोरी करने वाला केस अधूरा है सर। केला? क्या कह रहे हो तुम? लजीज मीठे केले सर, जहाँ भी मिलता है वो उन्हें चुरा लेते। तो यहाँ पर कोई आतंकवादी चोर या मुजरिम कातिल नहीं है, सिर्फ केला चोर है? हाँ सर, सिर्फ केला चोर है। यहाँ कुछ भी हो जाए उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर करने को तैयारी नहीं होता, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिलता। ये ऐसी चीजें चुराते हैं सर जिस पर केस बनाना मजाक लगता है। जहाँ तक मुझे याद आता है जो पिछला केस दर्ज हुआ था उसे 15 साल हो गए हैं सर। सही कहा ना एंजल? हाँ हाँ। हे भगवान, किस जहन्नुम में फंस गया मैं। सर ये जहन्नुम ने कोलन हल ली है। पहले तुम इसे बंद करो। अरे ये कब खुल गया? देखो मेरी बात। दूर हटा तब। मैं वर्की हूँ, लोग मुझे प्यार से वर्धन वर्की बुलाते हैं। यहाँ पर एकमात्र रईस है और वो मैं हूँ। तो मैंने सुना है तुमने मेरे आदमियों को कहीं और जाने के लिए कहा है, क्यों? वही जानने के लिए आया हूँ। सुनो वर्की, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ। तू हाथ मत लगा, ये थोड़ा सा बात होता है। देख लो, चलो चलो बाहर चलो। हे बाबू, फिलहाल इन्हें घर लेके जा। हाँ जी। तेरे इस कबाड़ पुलिस स्टेशन में मैंने अपने आदमियों को इसलिए रखा था कि वो इसे अपना अड्डा बना सके और तुम लोगों को दो पैसे भी मिले। उससे बोलो अपने तेवर अपने पास ही रखे। बाबा। हाँ जी। चला चल जा। किसी का भला करो तो अपना ही नुकसान होता है। सर मैंने अपनी बहादुरी से उन्हें बाहर भगा दिया। इसे रिपेयर करने की कोई जगह है? आइए 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 भाई और बहनों, एक मस्त फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घर में। सुबह से कुछ नहीं, बहुत भूख लगी है। देखते हैं अभी गर्मा गर्म क्या मिलेगा। पिल्लाई जी, वो जो नया ऐसा ही आया है वो कैसा है? अरे क्या बताऊं यार, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। मुझे लगा था कोई ऐसा अफसर आएगा जिसकी एक टांग कब्र में होगी। हाँ। लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है। उसकी मैं और क्या तारीफ करूं, जैसा फिल्मों में देखते हैं ना वैसा ही है। एक हाथ टेबल पे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके हाथों और छाती में बकरे से ज्यादा मटन है। हाँ, क्या बात है। इंस्पेक्टर के सिक्स पैक है क्या? सिक्स पैक? उसके तो 10 या 12 पैक होंगे। एक रुत आए एक रुत जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब, अरे प्यार न करना सीखा न। गिर गया सर। सर सर, कहीं ने भी तो सांप ने नहीं काट लिया। सर आप कहाँ हैं? सार? अब क्या हुआ? इतने दिनों से आप स्टेशन नहीं आए। तो क्या? नहीं बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। जवाब मिल गया ना तुम्हें, तो चलो अब निकलो। ठीक है, लेकिन आप दोबारा कब आएंगे सर? सुनो, क्या वो पुलिस स्टेशन है? हाँ जी। मुझे तो लगता है पुलिस स्टेशन के नाम पे वो सिर्फ एक कबाड़ खाना है जहाँ दो पागल पुलिस वाले हैं। सुनो, तुम्हें एक बात पता है? नहीं। हाँ, नहीं। मुझे हर तरह की लड़ाई आती है, एंड आई एम आल्सो अ शार्प शूटर। उस पुलिस स्टेशन में जाकर मैं क्या करूँ? वहाँ सिर्फ टाइम पास करूं? ये करने नहीं आया था मैं यहाँ। जाओ यहाँ से। लेकिन हमारे पास वो केले वाला केस है ना सर। क्या कहा? केला? चलता हूँ सर। पीसी एंजल मेरी से जाकर क्या कहूँ? कहो कहीं जाकर डूब मरे वो। पर वो इतनी हल्की है कि डूबेगी नहीं। दाऊद,
हमेशा एक बात याद रखना, पुलिस की टोपी जिसे तुमने अपनी मर्जी से पहनी है, अगर वो मजाक लगने लगे तो लौट आना। अब्बू, आप ही ने मुझसे कहा था कि जब मैंने जन्म लिया था पुलिस की टोपी मेरे सर से चिपकी हुई थी। ये टोपी मेरे जिस्म का ही एक हिस्सा है, इसका मजाक नहीं बनने दूंगा। मैं दाऊद इब्राहिम ये शपथ लेता हूं कि अपने देश और संविधान की रक्षा करूंगा, अपने कर्तव्य से कभी नहीं हटूंगा। मैं ये भी शपथ लेता हूं कि देश की विधि का पालन करूंगा, उसके प्रति सत्यनिष्ठ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े, पर देश पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। पुलिस की इस वर्दी का हमेशा सम्मान करूंगा। अपने कर्तव्य की राह में कितनी भी अड़चने आए मैं अडिग रहूंगा, हमेशा वर्दी का गौरव बढ़ाऊंगा। जय हिंद। मैं हूं प्रशांत चतुर्वेदी, ये मेरी पत्नी लीला चतुर्वेदी और ये मेरी बेटी टिंकू चतुर्वेदी। ठीक है, तुम्हारी कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट तो कुछ नहीं है, वो क्या है कि इतने सालों से इस गांव में मेरी बीवी रह रही है लेकिन कभी सचमुच का इंस्पेक्टर नहीं देखा। मैं सोचा कि आपसे मिलवा दूं और एक आध फोटो ले लूं, बस इतनी सी बात थी। तैयार हो ना लीला, ये मोबाइल शहर का है। मेरे पास बहुत सारी औरतें हैं, एक आध को भेजू क्या आपके पास? शादी के लिए मैं एक एजेंट हूँ। आपकी शादी हो गई है? नहीं, शादीशुदा नहीं है। इनके साथ खड़े हो जा, इनके कंधे पे हाथ रख। ओके सर, सेल्फी लेते हैं। ए या आ, खिलाओ इसे। खा, पेट भर के खा, खा। इसका नाम पापी है, अपेंडिक्स पापी। वो चाय की दुकान पर इसने एक औरत की चेन छीनने की कोशिश की। तो जो कोई भी चोरी करता है उन चोरों को फल खिलाने का रिवाज है क्या यहाँ? नहीं सर, दरअसल वो बात क्या है कि जब भी इसे लगता है कि ये पकड़ा जाने वाला है तो ये चोरी की हुई चीज को निगल लेता है, इसीलिए इसका नाम अपेंडिक्स पापी है सर। और वैसे सर, बिना प्रूफ के हम FIR फाइल नहीं कर सकते ना। और इसीलिए हम इसे ठूस ठूस के केला खिला रहे हैं ताकि केला चेन के साथ मिक्स हो जाए और सुबह जब ये जाए और करके आए तो मैं ये लेंस लेकर चेकिंग, पार्किंग और इन्वेस्टिगेटिंग करूं। हो सकता है हमें चेन मिल जाए। ओहो, लेकिन मैं आपको एक पते की बात बता देता हूँ, पुलिस वाले को आज तक मुझसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो क्या यहाँ पर सारे केसेस इसी तरह से डील होते हैं? चाय के 4 कप ले लो, 3 चम्मच और 1 थाली, 3 पती। उफ, शिवा शिवा, पतीला पतीला, 3 पतीला सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बर्तन सब ईश्वर की अमानत है, इनका ध्यान रखना इनकी कोई अहमियत नहीं समझता। नमस्कार। इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये सब लेकर कहाँ जा रहे हैं? अक्कर करू में एक जरूरी फंक्शन है, हम सब वही ले जा रहे हैं। क्या कहा तुमने, एक फंक्शन? काम पर सिर्फ इतने लोग? महंगाई इतनी बढ़ गई है, थोड़े में ही काम चलाना पड़ता है। मदद कर रहे हैं। वाह सर, सर प्रसाद लाकर स्टेशन पर दे जाऊंगा। रुको रुको, भगवान आपका भला करे सर। आइए आइए मिस्टर इंस्पेक्टर, ठीक वक्त पे आए हैं, मुझे भी आपका इंतजार था। हटो हटो सर। ये भीड़ क्यों जमा है? भगवान दास के बर्तन की दुकान में रॉबरी हुई है सर। बाकी सब यहाँ पर क्यों आए? इनकी कंप्लेंट लिखो और बोलो यहाँ से जाएं। सर इनका कहना है कि बिना हिचकिचाहट के पूछो, गांव में चोरी होती है और पुलिस उन चोरों की मदद करती है, हैं? क्या सर, आपने उस चोरी में उनका साथ दिया है? आप जब वासु के साथ मिलकर चोरी में उनका हाथ बटा रहे थे तो आपको ऐसा करते बिहारी बाबू ने देखा था, क्यों है ना? हाँ जी, तुम चोर हो। हाँ तुम चोर हो, तुम चोर हो। वो लोग मुझे कहाँ मिलेंगे? वो कुरकम मालक के किसी फार्म हाउस में छुपे हुए होंगे। ये पापी यहाँ बोध हो रहा है, उन्हें पकड़कर जल्दी यहाँ ले आइए सर।
बटन पे लाए। यस सर। सुबह का नाश्ता थोड़ा ज्यादा हो गया था। खाए बिना तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता ना। उठ जा, चली गई। आज तो जान बच गई। तुम पुलिस ऑफिसर हो? अफसोस। पागल है वो लड़की। ऐसे मारा जैसे उसकी किडनी चुरा लियो। उनकी तो हड्डी बस एक कर रहा। बहुत बेरहम है। सुना सुना, बहुत बुरी तरह पीटा है वो। अब वो चोरी करना भूल जाएंगे। और के जी, लगता है तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ऐसा क्या? हाँ। चुप। अबे डर के मारे मुझे उल्टी हो रही है। पतली गली से ही निकल लेने में भलाई है। सर, आपके मस्कल का मैं दीवाना हो गया हूँ। हाँ। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए। ये कौन है? वासु। उसने हमारे दोस्तों को मारा। जाकर उसे कह दो कि कुंभकर्ण कन्हैया से अपने भविष्य के बारे में पता कर ले। कल शाम होने तक अगर उसने हमारे आदमी लोग को नहीं छोड़ा ना, याद रहे, हम अपना गुस्सा से सब चला देंगे, तुमको और पुलिस थाना को। एंजल, 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 वो हमारे हमारे सर की तरह। सर, एंजल, बिना कुंभकर्ण कन्हैया से मिले वासु का भविष्य बताऊं, वासु और गैंग की बैंड बज गई है। Mm-hmm.
इतनी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन सुनकर यार मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। तो जिन्होंने देखा होगा उनपे क्या गुजरी होगी? अरे उनका भूल जाओ, उनका सोचो जिनको पड़ी है। ए वासु, सुन, उसे फंसाने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक बिहारी ने मुझसे कहा था भाड़े पे मुस्टंडे भेजता है, बुलाओ उसे। हाँ जी। बिहार के मुस्टंडे मौत के घाट उतार देंगे। ये तो और अच्छा है ना बाबू। हाँ जी। तुम इतने होशियार कब से हो गए हो? वो तो बचपन से हूँ। हाँ जी। अपना मुंह बंद कर, इनकी जैसी पिटाई हुई ना वैसे तेरी कर दूंगा। उसने अपने हथकंडे मुझ पे आजमाने की कोशिश की थी, कहा बराबर वालों से लड़ो। मुझे क्या पता था वो तेरी तरफ रुख मोड़ लेगा वासु। रास्ते के कुत्ते को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन अब पालतू कुत्ता ही काट ले तो क्या कर सकते हैं वासु? बहुत ज्यादा काट लिया क्या? अरे बाप रे बाप, इसका तो सीना ही फाड़ के रख दिया। राम और सीता को ढूंढ रहा था क्या इसके सीने को चीर के? चाय पी लो वासु, पाव रोटी भी रखी है। हनुमान बना दिया इसे। उससे दूर रहने में भलाई है वासु, तुम अपनी बुरी आदतों से बाज तो आते नहीं हो। तुम्हारे लिए सबक बिल्कुल ठीक है। सब बहुत हो गया, अब देखना हम उसको ऐसा जाल में फंसाएंगे कि वो चाह कर भी बचकर निकल नहीं पाएगा। क्या कह रहे हो? और इसके लिए खुद ईश्वर हमारे पास भेजेगा उसे। कुछ करने लायक नहीं हो तुम, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ हो जाए। अरे अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? उधर जाके निकालो, जाओ। मुंह का स्वाद बदल दिया उसने, भला नहीं होगा उसका। इतने सालों बाद। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग। ओके, क्या यहां पर? ओके, ठीक है, मैं आता हूं। सदियां बीत गई सर, इसकी आवाज सुने। किसका फोन था सर? कोऑपरेटिव बैंक से फोन। गांव वाले बैंक से सर? वहां का मैनेजर था, वो कह रहा था कि उसे 25 लाख रुपए कैश ट्रांसफर करने हैं, इसलिए उसे हमारी यानी पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। हमारे गांव का बैंक इतना अमीर हो गया, 25 लाख का ट्रांसफर? स्कूल के लिए कंप्यूटर लैब्स बनवानी है। मुझे कल सुबह 11 बजे तक कासरगोड पहुंचना है, उनका कलीग भी वहीं होगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी सर, मुझे वहां से एक चूड़ीदार खरीदना है। तुम दोनों जा सकते हो, कहीं और से खरीद लेना। यस सर। अरे यार ऐसे ही बजाया था। ऐसे ही बजाया। 25 लाख रुपए में हजम कर पाऊंगा? नहीं, ये बहुत बड़ी रकम है। मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ सर। हाँ, गाड़ी भी आ चुकी है। ओके बाय। तो तुम सच में पुलिस ऑफिसर हो? मुझे लगा नहीं था। अरे मैं बस मजाक कर रही हूँ। तुम तो कोलन हाली के नए सेंसेशन द ब्रेव पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। बाय द वे, आई एम नित्या, नित्या निरंजन। दाऊद इब्राहिम। तुम्हारा नाम थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब क्यों लगा? एक्चुअली नॉर्मल लोग इस तरह के नाम बिल्कुल नहीं रखते। तुम्हारे पिताजी फाइट मास्टर है? नहीं है, लेकिन क्यों? उस दिन तुम्हें फाइट करते हुए देखा था ना, इसलिए पूछा। अच्छा, वो कोलन हाली ट्रांसफर होने से पहले मैं नासिक में रहती थी, वहाँ विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम की मैं वॉलंटियर थी, इसलिए सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स जानती हूँ। पढ़ाई क्या की तुमने? IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद से? तो कोलन हाली बैंक में क्या कर रही हो? क्यों, यहाँ क्या बुरा है? जानते हो मुझे क्या लगता है, हमें रेगिस्तान में पेड़ उगाने चाहिए। जंगल में पेड़ उगाना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, क्योंकि रेगिस्तान में ही उस पेड़ की छाया का सच्चा मोल होगा। क्या तुम लेखक हो? नहीं तो, लेकिन क्यों? अच्छा हुआ लिखती नहीं हो। ये जो 25 लाख है ना, हम सब ने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं, ताकि कोलन हाली गवर्नमेंट स्कूल में एक कंप्यूटर लैब खोल सके। ये इस गांव के उन गरीब बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। दैट्स ग्रेट। एक बार ये कामयाब हो जाए तो ही ग्रेट होगा। सर, आपके पिताजी आए हैं। मैं
मैं ऐसे ही तुम्हारी कुर्सी पर नहीं बैठा हूं। दाऊद, मुझे नहीं लगता कि यह कुर्सी तुम्हारे लिए सही है। हमने नई कुर्सियों के लिए ऑर्डर दे दिया। हाँ, वो भी चार। बात सिर्फ कुर्सी की नहीं है, यहाँ थोड़ी बहुत मुसीबत है। मैं यहाँ के मुजरिम और केसेस के साथ डील कर रहा हूँ। अब सब कुछ सही जा रहा है। मैं अभी अभी 25 लाख के केस को पर्सनली सेटल करके आ रहा हूँ। अच्छी बात है उस्ताद, आप भी पेकू मास्टर निकले। ओ डैडी, सॉरी। तुम्हारा हालचाल जानने आया था। जान लिया। और देखने आया था कि तुम्हारा मजाक तो नहीं बन गया। मुझे जवाब मिल गया। जो भी है, तुम खैरियत से रहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर, मैं दाऊद बोल रहा हूँ। हाँ दाऊद, हालात कैसे हैं वहाँ पर? सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कहा? What do you mean? आपने मुझे इस जहन्नुम में क्यों भेजा सर? मैंने भेजा? No, वहाँ के हालातों के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। और वो तुम थे जो वहाँ जाना चाहते थे, चुनौती स्वीकार करना चाहते थे। सर, वो मेरी गलती थी, पर यहाँ के हालात बहुत बेकार है। मैं काबू नहीं कर पा रहा हूँ सर। सर, आप अगर मेरा ट्रांसफर तुमने इसे क्या समझ रखा है, हैं? तुम अपनी पूरी ड्यूटी किए बगैर वहाँ से नहीं निकल सकते। तकलीफ हो रही सर, वरना नहीं बोलता आपको। ये तो ज्यादती हो रही है। हाँ? चाय बनाई है, आप पियेंगे? नहीं चाहिए। You know I'm helpless. सर, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, तुम वहाँ पर किसी केस को सुलझाओ, उसके बाद में तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में सोच सकता हूँ। सर, यहाँ सुलझाने के लिए कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस छोटे मोटे चोर है यहाँ। तुम खुद ही एक केस बनाओ और सॉल्व करो। फोन रखो। तुम्हारा हालचाल जानने आया था। जान लिया। और देखने आया था कि तुम्हारा मजाक तो नहीं बन गया। मुझे जवाब मिल गया। तुम खुद ही एक केस बनाओ और सॉल्व करो, उसके बाद में तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में सोच सकता हूँ। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? अपना तो नसीब ही खराब है, फिर फंस गए। अमीन का बकरा है, चारा खिलाने जा रहे थे। आपने खाया क्या? बढ़िया। मेरे अंडे को हाथ मत लगा। खाया तो क्या हुआ? मेरा अंडा खा रहा। चुपचाप खाओगे कि नहीं? पूरा निकल लेता हूँ। इधर पानी दो जरा। पूरा निकलने के लिए कौन बोला था? ये लीजिए, पानी पीजिए। बासु भैया। किसे कह रहे? बासु भैया, ये क्या है? इतने प्यार से तो हमारी गर्लफ्रेंड भी आज तक हमको नहीं बुलाई। क्या बासु भैया, इस तरह कब तक चलता रहेगा? कब तक मुर्गियां और बकरे चुराते रहोगे? किसी समझदार इंसान ने बहुत ही समझदारी की बात की है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। कई लोगों को साथ लिया, लेकिन कोई भी तुम्हारे अलावा भरोसेमंद नहीं लगा। आपका दिमाग खराब है जो हम पर भरोसा कर रहे हैं? हम बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? हाँ, भरोसा नहीं करना चाहिए। करेंगे तो बाद में पछताएंगे। वैसे आप करना क्या चाहते हैं? क्या होगा अगर यहाँ के बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे तुम लोगों का नाम लिखा जाए कलर फोटोज के साथ, और नीचे लिखा हो कि तुम इस राज के सबसे बड़े चोर हो? अगर मेरा साथ दिया तो डॉलर्स में खेलोगे। Ha 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 ha
हम लोगों को करना क्या होगा? अगर तुमने वो सब कुछ किया जो मैं कह रहा हूँ तो उन बुलंदियों को छुओगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो क्या कहते हो, साथ दोगे? हम आपके साथ हैं। अच्छा लगेगा पुलिस के साथ काम करना। तो फिर ध्यान से सुनो, गांव के कोऑपरेटिव बैंक में 25 लाख रुपए है, चुरा लो उन्हें। कोऑपरेटिव बैंक से 25 लाख रुपए? दिमाग घूम गया क्या तुम्हारा? अगर मैं ये बता दूं कि ये कैसे करना है तो तब तो विश्वास होगा। लेकिन इस लूट का दारोमदार इस बात पर निर्भर होगा तुम कर पाओगे या नहीं। लेकिन हमें बड़ा और महान चोर बनाकर तुमको क्या मिलेगा? हाँ? मिलेगा ना 25 में से 10, बाकी के 15 लाख तुम रख सकते हो, ठीक है? लेकिन याद रहे कोई होशियारी नहीं। काम होने के बाद कुड़कम मलाई गोडाउन में मिलते हैं हम लोग। आगे का प्लान जो भी होगा वहीं बताऊंगा। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे यही दुआ करता हूँ। इतना कड़क ऑफिसर हमको पसंद करता है, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन उसका यह प्यार इसी को बर्बाद करके छोड़ेगा पूरी तरह से। उसे लगता है कि हमारा दिमाग हमारी किडनी में है। देखते जाओ हम क्या करते हैं। ये कैसा ट्विस्ट है? हाँ। Why? X is waiting. Let's go. वेलकम मिस्टर जेड, अ मिशन डीसीबी इंटरनेशनल बैंक, दैट्स आवर गोल। आओ। देखो यहाँ पर बना है हमारे गांव का बैंक, समझ गए ना? हाँ। बताओ क्या समझे? यही कि अनपढ़ होने के साथ तुम बुरे चित्रकार भी हो, सच में। मंगलापुरम के सिटी सेंटर में डीसीबी इंटरनेशनल बैंक है। पॉलिटिशियन और गैंगस्टर की अनगिनत संपत्ति वहां लॉकर में रखी हुई है। हमें सिर्फ एक मौका मिलेगा, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत जोखिम भरा काम है, थोड़ी सी भी गलती हुई तो बुरे फंसेंगे। मैं प्लान की फाइनल ब्रीफिंग बताता हूँ। You're in a no mobile phone zone. Switch it off. It's my girlfriend, dude. Don't use mobile phone. बैंक रोबरी करेंगे, वो हम कैसे करेंगे ये तो बताना। हमारे सामने तीन चुनौतियां हैं। पहला, लोगों को अपना बंदी बना के बैंक का डेटा कम्प्लीटली क्रैश करना होगा। वहाँ होगा सिक्योरिटी दारा सिंह, जहाँ पर की लॉकर है। सेकंड, एग्जीक्यूशन, जिसको करने के बाद ही हम कैश तक पहुँच पाएंगे। और वो कमरा ढूंढना है जहाँ रोकड़ा छुपा रखा है। दाऊद से बचने के बारे में सोचा? तो बैंक मैनेजर का क्या? उसे छोड़ो, हमको नहीं लगता कि वो कोई मुसीबत है। ध्यान से सुनो, मैंगलोर गोवा हाईवे के सारे ट्रैफिक सिग्नल को तुम्हें खराब करना है। दाऊद का खून खौल जाएगा जब पता चलेगा कि हमने उसको बेवकूफ बनाया, और जब हमें पकड़ने आएगा तो उसे खत्म कर देंगे। And the final one is escape. रात को हम लोग मंगलापुरम में रहेंगे। मंगलापुरम? ये बढ़िया जगह है, वहाँ पर कोनो पुलिस का आना जाना नहीं है। हम वहाँ राजा की तरह रहेंगे। अगले दिन केरला के लिए निकल पड़ेंगे। केरला के बॉर्डर पर एक जगह है कोलानहल्ली, हमारा फर्स्ट हॉल्ट। लेकिन उसने हमको पहले ही पकड़ लिया तो फिर हम क्या करेंगे? आने तो दो उसे, हम उसके लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। कोलानहल्ली में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है क्योंकि वो जगह एक जहन्नुम है, वहां पकड़े जाने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर पकड़े भी गए तो हम सबसे यही कहेंगे कि हमने दाऊद के कहने पे ये किया। हैं? फिर दाऊद की तो आई, और हमारी तो निकल पड़ेगी। बैंक का सारा डेटा हमारी वजह से क्रैश हो चुका होगा, इसलिए हमारी भनक किसी को नहीं लगेगी। कोलानहल्ली में हम महफूज रहेंगे। चलो अपनी लुंगी कस लो। सो
लेट्स डू इट टुमारो। जल्दी जल्दी दीवार फाड़ लो। तुम लोग दीवार क्यों फाड़ रहे हो? गेट से भी तो आ सकते थे। यहाँ फाड़ना पड़ेगा, गेट नहीं है। जरा धीरे धीरे चलो। तारा सिंह, आपकी छींक तो बड़ी पावरफुल है। ये तो ऐसे ही टपक गया। आ जाओ आ जाओ। यहाँ कोई काम करता है कि नहीं? Excuse me, ladies and gentlemen. हम लोग यहाँ बैंक रॉबरी के लिए आए हैं। कोऑपरेट करो वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। तुम क्या देख रहे हो? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? लॉकर, लॉकर कहाँ है? All the lockers require fingerprints, sir. I can't do anything about it, sir. Z, I'll do that. Go. आजा, आजा। भाई, शक्तिमान। छुपा ले यार। सर आपके पास 50 का छुट्टा है। 10 के नोट होंगे तो भी चलेगा। सर 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 सुनिए सर, हम तो यार खाता खोलने आए थे। सर User ID. It's 4G36. Don't move. Kabaddi, 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 Got it, man. Yeah. Oh, mil gaya. Lottery nikal gayi. भाई, तुम्हारा प्लान तो काम कर गया। क्या बात है भाई। तोड़ दे। अरे जोर से मार, खाना नहीं खाया। होटल, कम ऑन मैन। अरे मारना। फास्ट 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 फास्ट, ब्रेक इट। आई एम ट्राइंग। अपना पूरा जोर लगा। खुल जा, खुल जा, खुल जा सिंसिम।
भाई हा? ये तो इसके दिमाग की तरह खाली है, कुछ भी नहीं है भाई। अरे चल चल जल्दी बाइक पर, कम ऑन। है सर, बैंक में रॉबरी हुई है, उनको ये शक है कि वासु की गैंग ने ये किया है, हमें क्या करना चाहिए सर? ये जगह 10 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है और इन 10 किलोमीटर के आगे का रास्ता उन चोरों को बिल्कुल नहीं पता है, तो वो कब तक हमसे छुपकर भागते रहेंगे? कमिश्नर ऑफिस फोन करके मेरे ट्रांसफर ऑर्डर तैयार करने के लिए बोलो। दाऊद, हम पे भरोसा किया था तुमने? गलती किया। हमने भरोसा तोड़ा है लेकिन पूरी तरह नहीं। बाई ओर देखो, हम इतने भी ना शुक्र नहीं, हमारी जिंदगी बदल दी इसलिए हम भगवान की जगह तुम्हें 101 रुपए का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। उन चोरों ने मुझ गरीब की रोजी रोटी छीन ली सर, अगर मुझे वो गाड़ी नहीं मिली मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा सर। ये जाकर कुटियन पिल्ले को दो, मैं इंक्वायरी करता हूँ। उन चोरों ने वहाँ से सिर्फ 25 लाख रुपए नहीं चुराए बल्कि गरीबों और बेसहारों की उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है, उसी बात का मुझे अफसोस है सर। उन्हें हर हाल में ढूंढना होगा आपको, यह आपसे रिक्वेस्ट है। यहां पर मुझे सिर्फ आप पर विश्वास है, तोड़िएगा नहीं।
I don't give a damn. अगर वो डॉन है तो खालिद डॉन से भी बड़ा है. हमारा सौदा पक्का है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. ओके मारिया, गेट मी माई ड्रिंक. श्योर डार्लिंग. सरप्राइज कैसा लगा? तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, बट यू रिफ्यूज टू मीट मी. मुझे जो चाहिए होता है वो किसी भी हालत में मैं हासिल कर ही लेता हूँ. सो हियर आई एम. मुझे मार भी डालोगे, स्टिल यू वोंट गेट द डील अकबर. मार्टिन, मुझे वो सौदा नहीं मिला तो भी मैं तुम्हें मार दूंगा खालिद. I didn't bring you to the beach for some sightseeing or to have a shower. That you also know. Martin. तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी जान की मुझे कोई जरूरत नहीं थी और ना होगी. मेरा डील नहीं रुकने वाला क्योंकि जो मुझे चाहिए वो हासिल करने से तुम मुझे नहीं रोक सकते. जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ अंगूठे का निशान ले लो और उसके बाद पोस्टमार्टम से पहले ये उसी बॉडी का हिस्सा लगे, इसीलिए इसे बॉडी से जोड़ देना. ओके. मार्टिन, देयर वाज अ मैसेज फ्रॉम द साउथ, अ रियली बैड वन. मेरी सबसे बेशकीमती चीज लॉकर नंबर 666 से चोरी हो गई है. जिस किसी ने भी ये काम किया है उसकी पूरी की पूरी डिटेल मुझे आधे घंटे के अंदर ही चाहिए. एंड दैट्स एन ऑर्डर मार्टिन. श्योर सर. वो 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 गाइस, कूल, इट्स माय गर्लफ्रेंड. आई वॉन्ट यू बिफोर, दिस इज अ नो मोबाइल फोन जोन. टेक योर फोन आउट. फोन उठाओ और उसे लाउड स्पीकर पर डालो. नेम इज अकबर, अकबर अली. मुझे नहीं लगता इससे भी बड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए मेरे बारे में. अब सुनो, जिस इंटरनेशनल बैंक में तुमने रॉबरी की है उसका लॉकर नंबर 666 मेरे नाम से है. उसमें एक रेड बॉक्स था. अब मेरा वो रेड बॉक्स तुम्हारे पास है. मुझे वो रेड बॉक्स चाहिए और जो समय मैं तुम्हें दूंगा उस वक्त तुम मुझे वो लौटा देना. अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें बता दूं
धोखेबाजों की मैं ऐसी हालत करता हूँ कि दोबारा वो दुनिया में कुछ करने लायक नहीं रह जाते। सो डोंट बी स्टूपिड, जस्ट ओबे एंड रिमेम्बर, नेवर स्विच ऑफ योर मोबाइल। अकबर अली, द रियल डॉन अकबर अली। अकबर अली सच या फिर कोई मजाक कर रहा है? उसकी फेक आइडेंटिटी बनाए ऐसा किसी में हिम्मत नहीं है। नो वे, ये डेफिनेटली वही था। रेड बॉक्स, चलो। ये डायमंड नहीं है पर कुछ बेशकीमती जरूर है, क्योंकि अब इसकी कीमत हमारी जिंदगी बन चुकी है। अकबर अली एक डॉन है, अगर वो हमसे बात कर रहा है तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। दिस मस्ट बी रियली प्राइसलेस। उससे मिलने के बाद हम शायद जिंदा भी ना बचें। वो हमें ढूंढेगा, हमारी तलाश करेगा, और अगर हम मिल गए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इस दुनिया में हमारा भी कोई वजूद था। What are we gonna do now? जैसा मैंने कहा कि इस लाल डिब्बे में हमारी जिंदगी कैद है, जब तक ये हमारे पास है हम लोग सेफ हैं। आगे का हर कदम हम बिना प्लान किए नहीं उठाएंगे। सो इस एक्स वाई जेड के बकवास को खत्म करते हैं। मैं हूं जॉन। आई एम जाफर। ओह, इफ यू आर जॉन एंड जाफर, आई एम जनार्दनन। कम ऑन गाइस, प्लान के मुताबिक हम लोग कोलन हल्ली जाएंगे, वहां पर हमें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल, हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा वहां जाकर ही सोचेंगे, ठीक है? ओके। रोते हुए आते सब हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जा। अरे रुक जाओ, आओ इधर आओ। चलो उठाओ इन्हें। भाई हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर ये लोग यहाँ पड़े रहे और किसी को मिल गए तो हम लोग मारे जाएंगे। ले चलो इन्हें। हे हाथ दे रहे। हाँ 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 दिखने में दुबला है लेकिन बहुत भारी है। अरे ले चल भाई। का इंस्पेक्टर दाऊद, तुम खुद को बहुत होशियार समझते थे? आखिर हमने तुम्हारा भरोसा तोड़ ही दिया, कहा था ना
आप क्या करोगे मिस्टर दाऊद? पकड़ सकते हो तो पकड़ लो है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या कर रहे थे बेटा तुम? कुछ खास नहीं अबू। कुछ करने लायक रहे भी नहीं ना? बेटा, अम्मी की तबीयत थोड़ी सी नासाज है और वो तुमसे मिलने की ख्वाहिश जता रही है। अबू, मेरे काम अभी अधूरा है यहाँ पर। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ बेटा? क्या ये भी उसी काम का असर है? मेरी बात सुनो। फिक्र मत करो, तुम्हारे अंदर हर हालात से लड़ने की काबिलियत और हिम्मत है बेटा, और हारना तुम्हारी फितरत नहीं। काम को जल्दी खत्म करो और अम्मी से मिलने आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या मॉर्निंग सर। हेलो दाऊद, एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया। बैंगलोर में कल डीसीबी इंटरनेशनल बैंक में रॉबरी हुई है। वेल प्लान्ड एंड नीटली एग्जीक्यूटेड रॉबरी। रॉबर्स की पहचान सर्कुलेट करने के बाद कर्नाटका पुलिस को पता चला है। उन्होंने कर्नाटका केरला के बॉर्डर पे कर्नाटका चेक पोस्ट तो पार किया है। हाँ, लेकिन कंजनगढ़ टोल बूथ को पार नहीं किया। इसका मतलब उन लोगों को तुम्हारे ही इलाके में कहीं पर होना चाहिए। दिस इज योर चांस। केरला पुलिस ने कर्नाटका पुलिस की हेल्प की है, ये बात बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। और अगर ये रॉबर्स पकड़े जाते हैं तो दाऊद, आई थिंक आई कैन डू समथिंग अबाउट योर ट्रांसफर। ओके सर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर हेल्प सर। क्या हुआ सर, अंग्रेजी में समझ में नहीं आया? ओह अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। हिंदी में बोलते तो मैं समझ जाता है। हाँ जी, इंग्लिश में शॉर्ट हैंड है। हंसो मत एंजल। सुनो कोटियन। यस सर। ठीक हमारे गांव की कोऑपरेटिव बैंक की तरह ही है, मंगलपुरम में भी रॉबरी हुई है। और हाँ, जिन लोगों ने काम किया है, कर्नाटका टोल बूथ क्रॉस कर लिया उन्होंने, लेकिन केरला टोल बूथ क्रॉस नहीं किया है। दैट मींस वो रॉबर्स इस वक्त हमारे ही इलाके में कहीं होने चाहिए। सर वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते थे। हमारी ये जगह चोर डाकुओं से भर गई है। अब तो आप खुश है ना? मैंने तुम्हें यहाँ मुझे खुश करने के लिए नहीं बुलाया, काम पे ध्यान दो। ओके। एंजल बोलिए। मुझे सुधीर की गाड़ी का नंबर क्या है बताना? इसमें है सर। हाँ नंबर बताओ। केतिनार 3753। केतिनार, देखा? KER 3753। एंजल कहाँ तक पढ़ी हो? 4th B। वेरी गुड। और आप? छोड़ो। वासु सुधीर की गाड़ी लेकर न तो केरला पहुंचा है और ना ही कंजनगढ़। इसका मतलब वासु बहुत बड़ा तिकड़मबाज है सर, वो सुरंग खोद के भी निकल सकता है। क्या कोटियन बाबू, तुम भी? वासु को यहाँ का कोना कोना मालूम है, वो बॉर्डर पार करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। ओहो, नोट द पॉइंट, नोट द पॉइंट। कोल्लन अली के लिए एक ही रास्ता है क्या? हाँ, और कोई रास्ता नहीं है सर। माफ कीजिएगा सर, ये कोटियन बिल्कुल भुलक्कड़ हैं। पुलानी जंगल के बीच में एक रास्ता है सर, जिसके जरिए पहुंचा जा सकता है बॉर्डर तक। तुम्हें वो रास्ता पता है पापी? पापी को कोलन हल्ली के सारे रास्ते पता है सर। Come on, पापी। Oh
सर जी। ये फोन इनके मालिक का होगा। हेलो। वेल ट्राइड बट यू हैव टू पे द प्राइस। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी और समझाया था कि मैं कौन हूं। अकबर अली से डर नहीं लगता तो तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। आई हैव माई ओन वेज टू मेक यू फील द फियर। तुमने फोन ऑफ करके बहुत बड़ी गलती की। नाउ यू विल नो व्हाई द वर्ल्ड कॉल्स मी डॉन अकबर अली। मेरी एक सलाह मानोगे तुम वो लाल बॉक्स और अपनी लाइफ मेरे लिए हिफाजत से रखना। अकबर अली सच में वो गैंगस्टर? उसका इससे क्या लेना देना? उसे बुलाकर पूछ लेते हैं सर। उसे पकड़ना होगा। किन्हें सर? ए कोटियन, हैं? वासु और उसके गैंग को पकड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, कभी तो अकलमंदी की बात किया करो। यहाँ पर छुपने की बहुत सारी जगह हैं, लेकिन कुछ जख्मी लोग, ढेर सारा पैसा और गाड़ी के साथ छुपना आसान नहीं होगा। वो कहाँ मिलेंगे? तुम कोई अंदाजा लगा सकते हो कोटियन? बिल्कुल नहीं। पापी, पकड़ लेंगे सर, पूरा यकीन है, आज रात तक जरूर पकड़ लेंगे। ए वासु, देखिए होश में आ गया। बढ़िया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो बच गए, बाकी बैग नहीं बचा। हम अपना काम करके इस गांव को छोड़ के निकल ही रहे थे कि तुम लोग इतने बड़े तिजोरी के साथ हमको मिल गए। ईश्वर जब देता है तो चप्पल फाड़ देता है। आपसे मिलके हमको बहुत खुशी हुई। अब कहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम लोग चलते हैं। कौन हो तुम लोग? तुमसे भी बहुत बड़का, हम चोर हैं। मैं तुम लोग से कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, चुपचाप बैठे रहो। तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। का होगा? सब मारे जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाथ पर तो हिला नहीं पा रहे हो और हमें मारने की धमकी दे रहे हो। ज्यादा बोलोगे तो तुमको भी उड़ा देंगे। हो गया, हमने इसको अपनी तरफ से धमकी दिया ना, तो तुम कहे बीच में बोल रहे हो अगली बार नहीं करना। चलो। और हाँ भाई, अगर तुम छुड़ा लिए तो वहाँ हमने तुम्हारे लिए 101 रुपए रख दिया है। तुम हमारे लिए ईश्वर का अवतार हो। है? है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं किसका तुम्हें कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, हमें किसी को और का। अरे वो आजाद हो गया, भागो। ए रुक जा, ए माल उठाओ और निकलो यहां से। अरे वासु, ए रुक जा। ए चलो चलो चलो, जल्दी चलो चलो। अरे भागो, कम कम। देखो यार, अरे चलो जल्दी, कुर्सी टूटा कैसे? लगता है पानी।
जितना कहा था उससे ज्यादा लाया हूँ। साहब आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? कुछ ही पड़ा लो। इसके अलावा हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बताने के बाद ही हमारा ध्यान रेड बॉक्स पर गया। क्या उसने बताया वो क्या था? नहीं, उसने सिर्फ ये बताया कि ये बहुत बेशकीमती है। गुड वर्क दाऊद, अब मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा सकता हूँ। कर्नाटक पुलिस को इन्फॉर्म किया है? नो सर, मैं यही कहने के लिए आया हूँ। क्या बात है, व्हाई द डिले? सर, वो बैंक रॉबरी तो छोटी सी बात है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल गैंगस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व्ड है। व्हाट डू मीन, कौन इन्वॉल्व्ड है? अकबर अली, द रियल डॉन। अकबर अली, उसका इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? इन्हीं बातों की जड़ तक मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ सर। सर, मुझे बस एक मौके की जरूरत है। पूरी दुनिया की पुलिस कई सालों से जिसका एक भी बाल बांका नहीं कर पाई, उस इंटरनेशनल डॉन अकबर को कोलन हल्ली का एक मामूली इंस्पेक्टर पकड़ेगा? आर यू जोकिंग दाऊद? सर, ऐसे सीरियस बातों को लेकर मैं जोक नहीं करता। मेरे पास एक प्लान है। व्हाट्स योर प्लान? अकबर अली, दाऊद इब्राहिम, इंस्पेक्टर दाऊद इब्राहिम। हे, व्हाट, हु आर यू? बताता हूँ, केरल पुलिस का एक इंस्पेक्टर। तुम्हारा वो रेड बॉक्स और उसे चुराने वाला, दोनों मेरी कस्टडी में है। वेट, आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट केरला पुलिस हैज कॉल्ड देम? केरला पुलिस कब से इतनी काबिल हो गई? लोगों में यह गलत फहमी है कि क्राइम के होने के बाद ही पुलिस वहाँ पहुँचती है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है अकबर, क्योंकि ये पुलिस वाला भी कुछ अलग ही है जो केरला पुलिस से है। यह है इंस्पेक्टर दाऊद इब्राहिम। ओके, अब मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर दाऊद। मुझे वो रेड बॉक्स हर कीमत पर चाहिए, और अगर वो बॉक्स मुझे वापस नहीं मिला ना, तो तुम्हारा अंत भी बिल्कुल अलग तरीके से होगा। अगर तुझे लगता है कि तू मेरा सामना करने की हिम्मत रखता है, आ जा मेरे पुलिस स्टेशन पे, तेरा इंतजार करूंगा। We'll be right back.
तस्वीर कितनी बुरी है, देख। सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बैठिए। आप कुछ लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? नहीं शुक्रिया सर। जैसा कि मैंने आपसे फोन पर पूछा था, किसी तरह इस केस को सेटल कर सकते हैं? आप थोड़ा अच्छा दिख रहा है, यहाँ शायद कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए गलती तो हर इंसान से होती है और उन्हें सजा भी मिलना जरूरी है, पर उन्हें माफ भी किया जा सकता है। अगर आप इन्हें माफ कर देते हैं तो इनसे बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने में हमें बहुत मदद मिलेगी, इसलिए मैं आपसे इस केस को दबाने की बात कर रहा हूँ। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम समझ गए हैं। कोर्ट को जितना ज्यादा वक्त फैसला सुनाने में लगेगा उतना ही पैसा निकालने में देरी होगी, सो आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। That's good. Hey! कोटियन पिल्ले, इन्हें इनके पैसे दे दो, जमा कर लीजिए। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। इस बार जरा संभाल के रखिएगा। अच्छा पूरे हैं, पूरे हैं। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते। फिर शुरू हो जाए का? चुप करो, अब और नाटक करने की जरूरत नहीं। कोटियन पिल्ले। जी सर। इन लोगों की कंप्लेंट लिख लो। कंप्लेंट? वो भी इनकी? वासु और उसकी गैंग को पहले इन्होंने गाड़ी से ठोका और फिर उनकी धुलाई की। उल्टा चोर कोतवाल पे इल्जाम लगाए? अगर इस तरह का केस रजिस्टर होता है तो कर्नाटक पुलिस इन्हें अपने साथ ले तो जरूर जाएगी, लेकिन कोर्ट पहुंचते ही इन्हें जमानत मिल जाएगी। और जब मैंने आजाद कर रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि ये भी मेरी मदद करेंगे। उड़ी बाबा रे, बड़े मगरमच्छ को पकड़ने के लिए छोटी मछलियों को साथ कर रहे हैं। बहुत चालाक है सर आप तो। चालाक नहीं, देवता है, हम चोरों के देवता। Good morning, Inspector Dawood Ibrahim. Akbar Ali बोल रहा हूँ। You would have been expecting my call. वैसे जितना मैंने सोचा था। तुम इससे ज़्यादा शातिर निकले। So I am here. तुम्हारे jurisdiction में। वो red box। मुझे चाहिए। Dawood, it's my most valuable position. I don't want any big trouble here. तुम्हें अपने साथ किसी को लेकर आया हूँ। इस मामले को हम बातचीत से सुलझाते हैं। उस इंसान को तुम जानते हो, बुजुर्ग है, तुम्हारा करीबी है। वो रेड बॉक्स मुझे ला कर दो और इसे अपने साथ ले जाओ। सिंपल सीधा साधा सौदा। मंगलापुरम बॉर्डर के आयरन फैक्ट्री में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेक इट फास्ट दाऊद। बोलने की जरूरत नहीं, कोई होशियारी नहीं वरना अंजाम जानते हो। हेलो हेलो, We'll be right back.
सारे लोग आए और सबको पीट कर चले गए। मैं टॉयलेट पे था इसलिए बच गया सर। हेलो। हे इंस्पेक्टर, वो सब लोग यहाँ है। टाइम वेस्ट मत करो, कम फास्ट मैन। उन्हें ज्यादा तकलीफ मत होने दो और मुझे इंतजार मत करवाओ। तुम मुझे नहीं जानते। आई कैन बी वेरी बैड, स्पेशली टू दोज़ हू मेक मी वेट। सर उसे सबक सिखाना ही होगा। साथ दोगे? हाँ। चलो। Inspector. So, you are the daring cop, Inspector Daud Ibrahim. सही बोला ना? लाओ दो। किसी ने मुझसे कहा कि जैसे ही मैं तुम्हारे हाथ लगूंगा तुम मेरा जनाजा निकाल लोगे। इज दैट ट्रू? वो तो मैं निकाल के ही रहूंगा। हो, तुम्हें अब भी इस बात की गुंजाइश लगती है? आई मस्ट से You are a man with guts. I know you are smart, but this time you have chosen the wrong person. Meri cheez kahan hai batao? Daud! Boys.
ये क्या भाई, ये चोर इतने साफ सुथरे कैसे? तू नहा ले, तू भी हो जाएगा। Where is it? तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी आंखों के सामने इन सबको मार डालूंगा। आई एम नॉट जोकिंग। Where is it? I hate police! चल गुरु हो जा शुरू। ये याद है मैंने क्या कहा था? तेरा जनाजा तो मैं ही निकालूंगा, बस थोड़ी सी देर होगी। देखा कितना दम है। ये है केरला पुलिस और मैं हूं इंस्पेक्टर दाऊद इब्राहिम। okay.
तुम बहुत मशहूर हो गए हो दाऊद। तुम्हें पता है मुझे कितने चैनल से फोन कॉल्स आ रहे हैं? हर कोई तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। इस छोटे से पुलिस स्टेशन की नहीं, पूरे देश के पुलिस फोर्स की शान बन चुका है दाऊद इब्राहिम। थैंक यू सर। फ्रॉम वेयर डू यू गेट दिस गट्स मैन? सबकी जान खतरे में होते हुए भी उस बॉक्स को छुपाने की हिम्मत दिखाई? वैसे उस बॉक्स में है क्या? एंड वेयर इज इट? सर मुझे नहीं पता कि बॉक्स कहां पर है। ये तुम क्या कह रहे हो? तो फिर वो गया कहां? Whatever, leave it. And one more thing. तुम्हें अंदाजा नहीं होगा तुम्हारी नेक्स्ट पोस्टिंग कहां पर है। Prime!